मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शहडोल में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह में ऋण वितरण कार्यक्रम में 6,15,00,000 रुपए लागत के 8 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शहडोल जिले के कुल 971 हितग्राहियों को 8,44,33,000 रुपए के ऋण वितरित किए। वहीं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 5,00,000 से अधिक विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को ऋण राशि का वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी किया, तो डिंडौरी जिले की श्रीमती सुलोचना ने बताया कि वो आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं और उन्हें सेंटरिंग प्लेट बनाने के लिए लोन प्राप्त हुआ है। सुलोचना दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया जी, आप आजीविका मिशन से जुड़ी हैं? जी भैया। आज आप कौन सा काम शुरू कर रही हैं? शुरू नहीं कर रही हूँ भैया जी, मैं बहुत दिन से कर रही हूँ आजीविका मिशन से। जब से जुड़ी हूँ मैं, तब से छोटी सी मनिहारी दुकान करते करते आज मैं मुर्गी अंडा की दुकान, बर्तन की दुकान, किराना दुकान प्लस अपने घर के पति को सेंटिंग भी खरीदवा दी हूँ इसी आजीविका मिशन के चलते। अभी, अभी अभी जो लोन मिला है उससे क्या कर रहे हैं जी? उससे सेंटिंग का काम कर रही हूँ। सेंटरिंग का काम कर रहे हैं? सेंटरिंग क्या काम आती है, जरा सब बहनों को समझा दो ना। सेंटरिंग जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना जो घर आते हैं उसमें हमारी जो दीदियां हैं, गांव की दीदियां, समूह की दीदियां, उन्हीं के घर में लगा के और उन्हीं के घर के पतियों को भी हम उसमें से रोजगार देते हैं, मतलब दो तीन फायदे हैं। सेंटरिंग जो आवास, प्रधानमंत्री आवास बनते हैं उसमें मकान, उसमें लगाने की जरूरत पड़ती है, तो जिसका मकान बनता है उसके मकान में भी सेंटरिंग लगती है और वो कह रही हम उनके पतियों को भी रोजगार से लगा देते हैं। तो बहन अपने पतियों को भी रोजगार से लगा रही है आजीविका मिशन के सहारे। जरा सुलोचना का ताली बजा के स्वागत करें। श्रीमती सुलोचना ने बताया कि लाभप्रद योजनाओं से किस प्रकार उनके जीवन में खुशियों के रंग भर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सुलोचना बहन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्रीमती सुलोचना ने भी सीएम श्री चौहान का आभार जताया।